अक्टूबर के महीने की सारी अच्छी खासी वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है। रुको जरा, सबर करो। और अभी बहुत सारी वेब सीरीज बाकी है जिसमें से मिर्जापुर का नाम तो याद ही होगा। तो यार पता होगा कि अक्टूबर के महीने में हमें बहुत सारी अच्छी खासी वेब सीरीज देखने को मिल चुकी है अभी तक, और क्योंकि सिर्फ अभी हाफ स्टेज खत्म हुआ है अक्टूबर के महीने का, तो अभी हाफ स्टेज और बचा है, 10-12 दिन और बचा अक्टूबर के, तो हमें इस 10-12 दिन में कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप की वेब सीरीज देखने को मिल सकती है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी की बात करने वाले हैं, अगले 10-12 दिन में जो रिलीज होने वाली है वेब सीरीज और मूवीज उनकी बात हम लोग आज करने वाले। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। तो बात करें हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म की, तो उसका नाम है कॉमेडी कपल, जो कि रिलीज होगी Zee5 पर 21 अक्टूबर को। तो इस मूवी में आपको दो स्टैंड अप कॉमेडियंस देखने को मिलेंगे जिनके बीच प्यार हो जाता है। वो प्यार जो होता है वो कैसे ऑन स्टेज होता है, फिर कैसे वो ऑफ स्टेज पर जाता है, कैसे जोक्स जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं, और वो कॉम्प्लिकेटेड जोक्स कैसे लाइफ में अप्लाई किए जाते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी कॉमेडी कपल लाइव मूवी में, जो कि रिलीज होगी 21 अक्टूबर को Zee5 पर। फिर बात करें 23 अक्टूबर की, तो 23 अक्टूबर को वो वेब सीरीज रिलीज हो रही है जो कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड वेब सीरीज है इस साल की, और इसका नाम है Mirzapur 2। अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की कुछ ज़रूरत तो है नहीं, और अगर मुझे बताना पड़ जाए ऐसी नौबत आ जाए तो भाई जिंदा कैसे है बे? नहीं मतलब थोड़ा वेब सीरीज़ का ज्ञान लेके आओ तब इस वीडियो को देखना, मतलब मिर्ज़ापुर को नहीं जानते तो क्या जानते हो इंडियन वेब सीरीज़ के बारे में। तो देखना ज़रूर 23 अक्टूबर को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर मिर्ज़ापुर का सीज़न 2। फिर बात करें अगली वेब सीरीज़ की, तो इसका नाम है नक्सल भरी। अब इसकी भी चर्चा बहुत दिनों से हो रही थी, ये रिलीज़ होगी Zee5 पर 28 अक्टूबर को, और इसकी बेसिक सी स्टोरी में आपको दिखेगा कि एक एरिया में नक्सल्स का कुछ ज़्यादा ही प्रभाव फैलने लगता है, तो उसको रोकने के लिए कुछ सोल्जर्स आते हैं, लेकिन कुछ वहाँ पर ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती है पास्ट टाइम को लेकर, जिनके चलते बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और होने लगते हैं। तो यही देखना पड़ेगा हम लोग को इस सीरीज़ में Zee5 पर 28 अक्टूबर को नक्सल भरी। फिर बात करें 29 अक्टूबर की, तो इस दिन एक और सीरीज़ रिलीज़ हो रही है Zee5 पर। अब Zee5 जो है ना, इसका वट एकदम बढ़ गया। मुझे तो लगता है कि कोरोना वायरस आने से पहले इसको पता चल गया था कि कोरोना वायरस आने वाला, इसलिए जो है ना इसने एक साल पहले ही इतनी सारी वेब सीरीज़ भर भर कर बना लिए कि लॉकडाउन के बाद रिलीज़ करना है, लॉकडाउन में रिलीज़ करना है, इतना कौन रिलीज़ करता है भाई। लेकिन शायद किसी ज्योतिष ने बता दिया होगा इनको कि भाई कोरोना वायरस फैलने वाला है, तो तुम पहले से बना के रख लो सीरीज़। लेकिन बात करें इसकी अगली सीरीज़ की, तो इसका नाम है तैश, जो कि रिलीज़ होगी 29 अक्टूबर को Zee5 पर, और ये है क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ जिसमें कि आपको इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगा, और कैसे एक औरत अपनी फैमिली के लिए क्या कुछ कर जाती है, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस सीरीज़ में। और एक और बात बता दो कि इस वेब सीरीज़ में जो है ना, दो परिवारों के बीच बदले की भावना होती है, कुछ इमोशनल ड्रामा होता है, तो ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उतनी भी अच्छी खासी वेब सीरीज़ लग नहीं रही है, फिर भी देख लेंगे Zee5 पर 29 अक्टूबर को। फिर बात करें 30 अक्टूबर की, तो 30 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म जिसका नाम है खाली खुई। अब ये जो है ना, ये पंजाबी नेम है क्योंकि इस मूवी का लोकेशन जो है पंजाब में बेस्ड है। अगर हम लोग इसके हिंदी नाम की बात करें तो इसका नाम आता है काला कुआ, और ये रिलीज़ होगी 30 अक्टूबर यानी कि 30 अक्टूबर को, और ये जो है ना नेटफ्लिक्स की एक हॉरर फिल्म होने वाली जो कि रिलीज़ होगी 30 अक्टूबर को। इसकी छोटी सी कहानी बताओ, बेसिक सी स्टोरी बताओ, तो इसके जो है ना एक पंजाब के गांव में बहुत सारी मौतें होने लगती है, खासकर लड़कियों की, बच्चियों की, और वो लोग जो है ना इससे भूत प्रेत आत्मा डायन चुड़ैल आत्मा भूत मतलब कि ये जो मौतें हो रही है वो सब गांव वाले भूतों से जोड़ने लगते हैं कि भूत डायन चुड़ैलों ने ये सब किया है, ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना चाहिए इन सब का नाम। लेकिन वहाँ पर एक 10 साल की बच्ची आ जाती है जो कि अपने गांव और अपने परिवार को बचाना चाहती है, तो वो कैसे बचाती है ये सब हमें देखना पड़ेगा इस सीरीज़ में 30 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर। फिर बात करें अगली वेब सीरीज़ की, तो ये फिर से Zee5 पर ही रिलीज़ हो रही है। Zee5 वाले बहुत कमा रहे हैं, बहुत पैसे आ रहे होंगे उनके पास, इसलिए सीरीज़ का नाम है एक झूठी लव स्टोरी, जो कि रिलीज़ होगी Zee5 पर 30 अक्टूबर को। और इसमें जो है ना दो फैमिलीज़ होती है जिसमें से एक लड़का और एक लड़की में प्यार हो जाता है, लेकिन वो प्यार होता है ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन सोशल मीडिया के तरफ से, और वहाँ पर भी जो है ना झूठे यूज़र नेम के साथ साथ, तो फिर झूठी लव स्टोरी, झूठा यूज़र नेम, ये कैसे प्यार होता है ये सब हमें देखना पड़ेगा इस सीरीज़ में 30 अक्टूबर। और फिर बात करें अगली वेब सीरीज़ की, तो इसका नाम है सर्जिकल ऑपरेशन टीम, यानी कि SOT, जिसको प्रोड्यूस किया है सलमान खान प्रोडक्शंस ने। और इसके में और इसकी बेसिक स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि इसमें एक मिसाइल होता है जो कि इंडिया के पास मिसाइल होता है जो कि गायब हो जाता है अचानक से, तो फिर इंडियन आर्मी उसे कैसे ढूंढती है या फिर रॉ एजेंट्स उसे कैसे ढूंढती है, ये सब हम देखने वाली बात होगी इस सीरीज़ में, जो कि रिलीज़ होगी सोनी लिव पर, लेकिन इसकी अभी तक कन्फर्म रिलीज़ डेट नहीं आई है। हालांकि ये माना जा रहा है कि ये 30 अक्टूबर को ही रिलीज़ हो जाएगी सोनी लिव पर, तो ये बहुत ही अच्छी खासी वेब सीरीज़ हो सकती है देखने के लिए, तो फिर देखना मत भूलना। और फिर इसी के साथ हमारी आज की लिस्ट खत्म होती है अक्टूबर की वेब सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में। अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो
यहाँ आई बटन पर लिंक होगा, पता नहीं किस साइड है, वहाँ पर जाके देख सकते हो। और फिर अभी तो मेरे ख्याल से और कोई नई वेब सीरीज़ आई है नहीं, तो फिर यहीं पर वीडियो खत्म करते हो और अब आउटरो देखो। तो यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और रुको ज़रा सब्र करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ से तो वहाँ पे हम लोग घंटा कुछ पोस्ट डालते हैं, मैं सिर्फ अपनी फ़ोटो डालता हूँ, लेकिन DM करोगे तो मैं रिप्लाई करूँगा, फिर बातचीत कर सकते, सजेशंस कुछ दे सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।